जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और कोरोना वैक्सीन पर यह समीक्षा बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रात 8 बजे से बैठक शुरू होनी थी। अलग अलग मंत्रालय के उच्च अधिकारी इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें देश में ऑक्सीजन की जो इस वक्त व्यवस्था है और उसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके अलावा रेमडेसिविर की जो कमी बार बार सामने आ रही है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और वैक्सीनेशन का इस समय जो देश में स्तर है और उसको कैसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम अहम मुद्दों पर यह अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ जहां देश में कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यह अहम बैठक इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ। कोरोना से देश में कोहराम मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक इसी वजह से कर रहे हैं ताकि वो तमाम पहलू जिनके बारे में बार बार चिंताएं जाहिर की जा रही हैं उन पर बात की जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, उस दवा को लेकर किस तरह से और उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, अहम है ये समीक्षा बैठक, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक इस बैठक के सिलसिले में, क्योंकि वो तमाम अहम मुद्दे, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर, खास तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी से कैसे आगे बढ़ाना है, इन तमाम अहम मुद्दों पर ये समीक्षा बैठक है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब समीक्षा बैठक में चर्चा तो सभी मुद्दों पर होगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती जो प्रधानमंत्री की इस बैठक के समक्ष है वो यही है कि देश भर में जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है और उसके हिसाब से चाहे वो अस्पताल की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर जैसे दवाई की कमी हो, कुछ घंटे पहले सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि रेमडेसिविर सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं उनसे बात करके इस दवाई की कीमत का एक कैपिंग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ है, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पतालों तक पहुंचाया जाए इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हुए थे, लेकिन आज की स्थिति में प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में मुख्य तौर पर जो एजेंडा होगा कि आज की तारीख में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं किस तरह से पारस्परिक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अस्पतालों में उन मरीजों तक तत्काल सहायता कैसे पहुंचाई जाए इसको लेकर कोऑर्डिनेशन यानी सबसे बड़ा और अहम मुद्दा होगा इन तमाम पहलुओं के साथ चर्चा के अलावा। हम लगातार नजर बनाए रखेंगे प्रधानमंत्री की इस बैठक से क्या निकलकर अहम जानकारी आएंगी वो भी आपको बताएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।